हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार की कमान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संभाली है, जब से कांग्रेस कई बड़े फैसले ले रही है। बता दें कि जब से इन चुनावों में भाजपा की हार हुई है, तब से कांग्रेस की नई सरकार एक के बाद एक ताबड़तोड़ निर्णय ले रही है। सुक्खू सरकार पूर्व में भाजपा सरकार के किए कामों का रिव्यू भी कर रही है, यूं कहें तो जयराम सरकार के फैसलों को पलट रही है। बता दें कि नई सरकार ने प्रदेश में बिजली बोर्ड के 12 विद्युत मंडल, 17 उपमंडल, 3 ऑपरेशन सर्कल बंद कर दिए, 32 कार्यालयों को डी नोटिफाई भी किया। वर्तमान सरकार इन सभी कार्यों की समीक्षा करेगी। इससे पहले सुक्खू सरकार ने जयराम की ड्रीम प्रोजेक्ट वाला हवाई अड्डे के ऊपर भी वार किया। हवाई अड्डे की सर्वेक्षण कमेटी को भी बदल दिया है। यह देखना है कि सुक्खू सरकार क्या सच में प्रदेश की जनता को सुख देगी या नहीं, क्योंकि सुक्खू सरकार अभी तक कैबिनेट का विस्तार नहीं कर पाई है। लेकिन इनमें 3 लोग काफ़ी खुश नसीब रहे जिन्हें कैबिनेट का पद मिला, बाकी नेता कैबिनेट में अभी इंतज़ार कर रहे हैं। सुक्खू सरकार की गृह दशा बिगड़ती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि वह दिल्ली गए और कोरोना पॉजिटिव हो गई, या वाकई में सुक्खू के लिए चैलेंज है। अभी कैबिनेट विस्तार भी नहीं कर पाए और पद भी बांट दिए। सुक्खू और मुकेश के कुछ वायदे याद करवाते हैं आपको। और हम डिलीवर करेंगे जो जनता को उम्मीदें हैं, जो हमने वायदे किए हैं। पहली कैबिनेट में करेंगे कर्मचारियों को OPS, 1500 रुपए महिलाओं को, 1,00,000 नौकरियां, ये प्रियंका गांधी जी जो घोषणाएं हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन होगी। एक जो आपने बड़ा वादा किया है वो ये किया है कि आप 1500 रुपए महिलाओं को देंगे। पैसे हैं इसके आपके पास? देखिए, आपकी बात को मैं थोड़ा सा सही मानते हुए इंतजाम तो करना पड़ेगा जब वादा किया। अभी हम 60 साल से ऊपर के महिला और पुरुष जो भी है उसको हम 1500 रुपया देते हैं। अब 18 से 60 साल की महिलाओं को देना है, उस दृष्टिकोण से सोच आगे बढ़ी है। हमने कोई एक महीने में वादा नहीं किया है, हमने 5 साल का वादा किया है। हमारी गारंटी योजना 5 साल की है। हमारे रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं, हमारे संसाधन बढ़ रहे हैं। जब संसाधन रिसोर्सेज बढ़ेंगे तो हम उनको 1500 रुपए प्रति माह पेंशन भी देंगे। लेकिन अभी तो सुक्खू सरकार के सामने कई चुनौतियां हैं, जैसे कि OPS 1500 रुपए महिलाओं को, सीमेंट का विवाद सुलझाना, जैसे अनेक मामले सुलझाने के लिए हैं। लेकिन इनमें पहले ही दोनों नेताओं के बयान अगर सुने तो वह अलग अलग हैं। अब देखना यह है कि सुक्खू सरकार सच में प्रदेश की जनता को सुख दे पाएगी या नहीं। हमीरपुर से सुमन की रिपोर्ट।